जिस बात का आपने उल्लेख किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सभी के लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने पिछले 10 वर्षों में केवल भारत का भौतिक चित्र नहीं बदला तो भारत की मानसिकता भी बदली है। मुझे याद है, हम तो सारे सनातन समाज के, हिंदू समाज के लोग, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मूलतः धार्मिक होते, लेकिन अन्य पार्टी के जो लोग होते थे वे अपने आप को हिंदू बताने में डरते थे, मंदिरों में जाके छुप छुप कर पूजा करते थे, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैंने पूजा की है, मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया है, अगर दिख गया तो मेरे चुनाव पर इसका असर हो जाएगा, ऐसा समझकर भोलेनाथ पर भी छुप छुप कर जल चढ़ाते थे। ऐसे कई नेता हमने देखे, लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर मंदिरों में श्रद्धा भाव से पूजा और समर्पण शुरू किया तो देश के सारे हिंदुओं को और अपने आप को छुप छुप कर हिंदू कहने वाले नेताओं को भी खुलकर सामने आना पड़ा और आज देश में अपने आप को सनातनी कहने से, अपने आप को हिंदू कहने से न कोई शर्माता है, न कोई घबराता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि फिर वो परिस्थिति आई है कि बहुत गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के हैं।